नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में जानेंगे कि अगर हमने हमारे वेब पेज में ऑडियो ऐड करना है या वीडियो ऐड करना है तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम ऑडियो किस तरह से ऐड किया जाता है इसके बारे में जानेंगे, और अगले सेशन में हम वीडियो के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि शुरू के जो HTML के वर्जन्स थे उसमें ऑडियो या वीडियो ऐड करने के लिए हमें फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अभी जो HTML5 आया है तो HTML5 में विदाउट यूजिंग फ्लैश हम ऑडियो या वीडियो एलिमेंट्स हमारे वेब पेज में इजीली ऐड कर सकते हैं। तो बहुत बार ये रिक्वायरमेंट रहती है कि वेब पेज में कुछ ऑडियो फाइल ऐड करें या फिर कुछ वीडियो फाइल ऐड करें, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट हमेशा वेब डेवलपर के लिए रहती है। तो वो किस तरह से ऐड करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स है जैसे MP3, ये ऑडियो फॉर्मेट है MPEG का, तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का, तो ये पॉपुलर फॉर्मेट है, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट को। या फिर एडवांस ऑडियो कोडिंग AAC का एक फॉर्मेट है जो नॉर्मली आईफोन के लिए यूज़ होता है या यूट्यूब के लिए यूज़ होता है, तो वो भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं। या फिर OGG जो फॉर्मेट है, तो ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट, तो वो भी हम हमारे वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई ऑडियो फाइल ऐड करनी होती है हमारे वेब पेज में तो हमें जो टैग यूज़ करना पड़ता है उसका नाम है ऑडियो टैग। तो ये आपको एनेबल करेगा कि आप आपका ऑडियो या ऑडियो फाइल आप वेब पेज में ऐड कर सके। तो हमें ऑडियो टैग यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका सिंटैक्स इस तरह का है, ऑडियो और फिर एंगल ब्रैकेट्स में हम इसको इनक्लोज करेंगे, फिर सोर्स फाइल जहाँ पे आपकी फाइल है ऑडियो फाइल, जैसे यहाँ पे मैंने sample.mp3 एक फाइल ली है, तो वो आपको या फिर उसका पाथ आपको देना पड़ेगा, फिर टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑडियो या MPG, और कंट्रोल्स और फिर एंड ऑफ ऑडियो टैग। तो इस तरह से आपको लिखना है वेब पेज में। तो आप जब भी ऐसा लिखोगे तो आपकी ये जो फाइल है वो ऑड होगी, और आप जो यूजर है आपके वेब पेज देखने वाले लोग जो है वो उसको प्ले कर सकेंगे। तो उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं ऑडियो टैग के साथ। एक पहला एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले में जब भी आप कोई ऑडियो फाइल ऐड करते हो तो जब भी वो रेडी हो जाएगी तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल्स में आपके सारे कंट्रोल्स जो है वो डिस्प्ले होंगे, तो प्ले पॉज बटन जो है वो उसके साथ डिस्प्ले होंगे, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आप चाहे तो उसको प्ले कर सकते हो या पॉज कर सकते हो। आप चाहे तो लूप एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो, तो ऑडियो बार बार प्ले होता रहेगा, तो आप इस तरह की लूप जो है वैल्यू खत्म होने तक वो प्ले होता रहेगा। या फिर आप म्यूटेड का भी बटन ऐड कर सकते हो, तो ऑडियो का जो आउटपुट वो म्यूट हो जाएगा, मतलब आपको सुनाई नहीं देगा। सोर्स में आप URL भी दे सकते हो, तो जहाँ पे आपकी ऑडियो फाइल है, तो यहाँ पे मैंने ये सोर्स ऑलरेडी यूज़ किया है, टाइप ऑलरेडी यूज़ किया है, और कंट्रोल्स भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंट्रोल्स या एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करके ऑडियो इजिली ऐड कर सकते हो। अभी एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम लिखा है मैंने HTML का, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML हो गया। HTML हेड हमारा टाइटल है, एडिंग ऑडियो एंड वीडियो, फिर ऑडियो सैम्पल मैंने दिया है कंट्रोल्स में, सोर्स दिया है ऑडियो फाइल कहाँ पे है हमारी, फिर तो उसका टाइप दिया है। तो जैसे ही आप ये वेब पेज सेव कर लोगे और सेव करने के बाद ब्राउजर में इसको एग्जीक्यूट करोगे क्लिक करके, तो इस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये ऑडियो आप प्ले कर सकते हो यहाँ से, या फिर स्टॉप भी कर सकते हो और आपको सुनाई देगा आपके कंप्यूटर में, आपको ये ऑडियो फाइल जो है वो आपको सुनाई देगा।
इस तरह से सिंपल दो तीन एचटीएमएल स्टेटमेंट्स ऐड करके हम इजीली कोई भी ऑडियो हमारे वेब पेज में प्ले कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर व्यूइंग द सेशन।